मुश्किल उनके लिए है जो हिम्मत नहीं करते। माशाल्लाह जी, कितना बड़ा पत्थर है, देखें अल्लाह की कुदरत। झील के उस तरफ वो कलाशनकोव का फायर नहीं जा सकता, बीच में ही रह जाता है। माशाल्लाह इतनी बढ़िया ये झील, वो इस वक्त हम दिखा रहे हैं शार्ट मूवमेंट के साथ पिटोरा झील। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम जहाज बांडा में मौजूद हैं। सुबह के 8 बजे हुए हैं, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, कैंप अपना बिल्कुल हमने खाली कर दिया है। इधर से अब हमारी रवानगी है, इधर से हम अब निकलेंगे पिटोरा झील के लिए। वो हमें बताया गया कि इधर से 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है, मुसलसल अगर चलते हैं, मतलब ज़्यादा स्टे नहीं करते, तो 2 घंटे में हम उधर पिटोरा पहुँच जाएंगे। रास्ता भी आपको दिखाएंगे कि रास्ता कैसा है, और पिटोरा झील पहुँच के वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसी झील है। बताया तो ये गया बड़ी खूबसूरत है, कभी गए नहीं है, ये पहली मरतबा है। थोड़े एक्साइटेड भी हैं पिटोरा के लिए, एक्साइटेड इसलिए कि ये पहली मरतबा है। अभी चलते हैं इंशाल्लाह आगे जाके एक्साइटमेंट अपनी पूरी करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पिटोरा झील की तरफ, तकरीबन आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया हुआ है। ये जो आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं, ये हम सारा पहाड़ जो है ना चढ़ के आए हैं। पहाड़ से नीचे जहाज बांडा, एक जो चढ़ाई है वो हम क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, और अभी आगे जो है उस तरफ अगर आप देखें तो वो दूसरी चढ़ाई होगी, वो इंशाल्लाह क्रॉस करके आगे पिटोरा झील है। रास्ता थोड़ा मुश्किल है, ऐसे ही है जैसे जहाज बांडा का है, तो मुश्किल उनके लिए है जो हिम्मत नहीं करते। जो हिम्मत करते हैं, जिनको शौक है आगे कुछ देखने का, कुदरत क्या सीखना तो देखने का शौक है, उनके लिए कोई रास्ता ये मुश्किल नहीं है। वो आगे आप देखिए, वो जिधर बर्फ नज़र आ रही है, वो उधर पिटोरा झील है, उधर तक हमने जाना है। आए उधर आपको लेके चलते हैं। ये रास्ता है जी पिटोरा लेक जाने के लिए, बिल्कुल पहाड़ हैं सीधे पथरीले, इनको क्रॉस करके वो आगे जिधर बर्फ़ नज़र आ रहा है आगे, उसके पास बिल्कुल जो है ना पिटोरा लेक है। ये हम जहाज बांडा के करीब है, इधर से तकरीबन लग जाते हैं 2 घंटे पिटोरा झील जाने के लिए। ये पथरीला रास्ता है, पत्थर है, चढ़ाई है, मुश्किल रास्ता है। ये देखें जी, ये पहाड़ हैं, ये क्रॉस करके हमने आगे जाना है नीचे, एडवेंचर वाला और मुश्किल रास्ता। माशाल्लाह कितना बड़ा पत्थर है, देखें अल्लाह की कुदरत। ये जहाज बांडा से एक पिटोरा झील जाते हुए रास्ते में पड़ा हुआ है, माशाल्लाह ये देखें, इसकी हाइट जो है तकरीबन ये होगी 20 से 25 फुट इसकी हाइट है। ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा पत्थर है।
हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम इधर पहुंचे हैं, तो ये देखें आपके पीछे कटोरा लेक अपनी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, देख के जो है ना मुँह से खुद अब सुभान अल्लाह निकल जाता है। जहाज बांडा से लेकर कटोरा झील पहुंचते का हमें 2 घंटे का टाइम लगा है। मुसलसल तो नहीं चले, हम स्टे करते रेस्ट करते हुए आए हैं, कोई तकरीबन आधा घंटा हमने स्टे भी किया है, तो समय लेके हम तकरीबन 2 घंटे में स्टे करने समेत इधर कटोरा लेक पहुंचे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत झील है, तो कटोरा झील इसीलिए कहते हैं कि ये गोल है, मतलब सारी गुलाई में है, बिल्कुल कटोरे की तरह है, इसलिए इसका नाम कटोरा झील है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसा पानी है जैसे ग्रीन कलर ग्रीनिश वाटर है इसका, और ठंडा भी बहुत ज़्यादा है, और बड़ी भी है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी झील है ये। इतनी बड़ी है कि इधर के मुकामी लोग कहते हैं कि अगर आप कलाशनकोफ का फायर इधर से करते हैं इस तरफ से, तो वो क्रॉस नहीं करता झील को, झील के उस तरफ वो कलाशनकोफ का फायर नहीं जा सकता, बीच में ही रह जाता है। माशाल्लाह इतनी बड़ी है ये झील, और इसको मुकामी ज़बान में घानसर झील भी कहते हैं, यह मुकामी ज़बान में घानसर झील के नाम से मशहूर है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, रास्ता थोड़ा मुश्किल है, जहाज बांडा से तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, बिल्कुल हाइकिंग करनी पड़ती है आपको, पथरीला रास्ता है, और 2 घंटे मुसलसल सफ़र करने के बाद आप इधर पहुंच जाते हैं और ये नज़ारा आप इंजॉय करते हैं। ये है कटोरा लेक, और आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं शार्ट मूवमेंट के साथ कटोरा झील। इधर आके मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहा हूँ, राव कुरैशी और मुदस्सर, उनको इसलिए मैं ज़्यादा मिस कर रहा हूँ कि बाकी जगह तो हमने इकट्ठे देखी हैं, लेकिन ये कटोरा लेक हमने नहीं देखी अभी, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। वो इधर होते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, मज़ा आता, तो दोस्तों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, मैं अकेला हूँ लेकिन फिर भी इन्जॉय कर रहा हूँ। मैं आप तीनों को, राव कुरैशी एंड मुदस्सर, आप तीनों को बहुत मिस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम तीनों इकट्ठे आएँगे। और एक बात और, मेरा कलीग है राना साजद, उसको भी बहुत मिस कर रहा हूँ, वो आने के लिए मेरे साथ तैयार था, बिल्कुल रेडी था, किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन राणा साहब आई मिस यू सो मच, थैंक यू।